ओम शांति। 8 अप्रैल 2020 की साकार मुरली। प्रेम के सागर परमात्मा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। प्रश्न, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर, अशांति फैलाना, यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं, वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे, इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत, यह कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दीवा क्या है, तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उछाई हुई है, अब बाप आए हैं ज्योत जगाने लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। अब सतयुग में तो यह बातें होते नहीं, वहाँ तो सोजरे में होंगे। भूख आदि की बात ही नहीं, वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं, यहाँ है घोर अंधियारा। छिछी दुनिया है ना, सब आत्माओं की ज्योत उछाई हुई है, सबसे जास्ती ज्योत तुम्हारी उछाई हुई है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं, तुम्हारी ज्योत उजा गई है, अब करंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है, तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी आते रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, ज़रूर इतनी बड़ी मशीन होगी। यह है बेहद की बात, सारे दुनिया की आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं, बुद्धि योग बाप से लगाओ, देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है, सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी ज्योत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाते हैं, बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, यह तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योत बुझ गई है, साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का। दिखलाते हैं, अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो, आत्माएं ऊपर से यहाँ आती है, पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतोप्रधान है, गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब पवित्र बनते हैं तो गॉडफादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। ज़रूर कोई से पतित बने हैं तब तो कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ, यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है यहाँ शांति में तो रह नहीं सकते, शांति तो है ही शांति धाम में। सत्युग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से, एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सत्युग है सुखधाम, वहाँ सुख और शांति दोनों हैं, और वहाँ अर्थात परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम,
मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति ज़रूर है। पहले जीवन मुक्ति होती है, फिर जीवन बंध में आते हैं, आधा आधा है ना। सत्व प्रधान से फिर सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिया आते होंगे, वह क्या दुख सुख का अनुभव करते होंगे? तुम तो सारा अनुभव करते हो, कि पिछाड़ी में जो आते हैं तो जन्म कम है और समय कम है, तो ज़्यादा दुख और सुख अनुभव नहीं होता है। जिसने जास्ती जन्म लिया है, सतो प्रधान था तो कला उतरते उतरते तमो प्रधान भी ज़्यादा बनता है, तो जास्ती सुख भी लिया है, जास्ती दुख भी लिया है, जो आदि से आती आत्मा है। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, वहाँ तो है ही एक धर्म, उनका पार्ट ही बाद में है। भल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है, जैसे बौद्धि खंड क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। झाड़ में भी ऐसा होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वह नीचे ही रहते हैं, देखा है ना, नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं, फिर बौर अर्थात फूल निकलता है। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सारा झाड़ सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं कर तो सड़ जाते हो। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं, राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा, वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता मेल लेते हैं, जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं यह बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना, अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होता तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे है, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना, भल कोई भी धर्म वाला हो, उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है, लिबरेटर और गाइड कौन है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी है नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र ज़रूर बनते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित है, इसलिए बाप राय देते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है, माया का पॉम्प कितना है, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग है, एरोप्लेन है, बिजली आदि है, यह है सब माया का पॉम्प, यह अब खत्म होना है। सबके सब प्लेन्स बंद हो गए ना, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह बिजलियाँ आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं, अब यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे, ज़रूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वह राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। यह फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है, बाप को याद करो। तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है, इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं, माम एकम याद करो, पूरे ज्ञान का सार, माम एकम याद करो, यह तो अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनकी रचना है,
रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट जो है वह नोट करने चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वह सुखधाम और शांतिधाम का गेट खुलते हैं। उन्हें कहते हैं, हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांतिधाम सुखधाम ले चलो। जब यहाँ सुखधाम है तो बाकी आत्माएं शांतिधाम में रहती है। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का और दूसरा शांतिधाम का। अब जो आत्माएं पवित्र हो गई है उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती है। बोलो, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे, यह फिर कौन है जो गॉडफादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो, तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचता रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। गॉडफादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। ज़रूर हमको गॉडफादर ने बताया है तब आपको बताते हैं। सन शोज फादर, यह भी समझाना चाहिए। आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता है। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, बिंदी है, देखने से फायदा थोड़ी हो सकता है। बाप भी ऐसे ही बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसा ही है परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। ज़रूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं, आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना छोटा हूँ। नॉलेज भी ज़रूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। आत्मा के बाजू में आकर बैठूँगा, मेरे में पावर है। ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी का हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी, मनुष्यों का सिजरा है ना। यह माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है। पुराना एडॉप्ट किया है, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा बाबा की तो एज वैसे ज़्यादा थी ना, तो शिव बाबा ने उनको एडॉप्ट किया। ब्रह्मा के बाप का कोई नाम बताए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह किसकी रचना तो होगी ना। रचयिता तो एक ही है बाप, उन्होंने ही अडॉप्ट किया है। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाएंगे तो कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, कभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती है। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे। कोई न कोई बाहर की बातें याद आ जाएगी, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। शुरूर बुद्धि झट नोट करेंगे, यह पॉइंट बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना। सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का, मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना एब्सेंट रहा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे, यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं तो क्या करेंगे। स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे। नेशन देख समझाना पड़ता है ना, जैसा देश वैसा वेश। भारत में समझ जाते हैं, बाहर देशों में नहीं समझेंगे या अन्य धर्म वाले भी नहीं समझेंगे। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है, वह कैसे लिबरेटर गाइड है।
हेवन में यह विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य, पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एजेड नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक़ है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए, बुद्धि योग इधर उधर न भटके, पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। दूसरी पॉइंट, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है, सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान है, स्वकल्याण के साथ साथ पर उपकारी बनने वाले मायाजीत विजयी भव। स्वकल्याण के साथ साथ परोपकारी बनने वाले मायाजीत विजयी भव। अभी तक स्वकल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब परोपकारी बनो। मायाजीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दे दो। विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दे दो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।